इससे हमारा व्यवहार, भावना और उद्देश्य का भी ज्ञान होता है। यदि किसी के आईब्रो नेचुरल तरीके से एक दूसरे में उलझे हुए हैं, अर्थात आईब्रो के बाल एक दूसरे पर चढ़े हुए स्पष्ट दिखते हैं, खड़े होते हैं, साथ ही साथ आईब्रो के बाल कठोर होते हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्ष कष्ट के साथ बीतता है। उसको हमेशा धन का अभाव बना रहता है, चाहे व्यापार, व्यवसाय, नौकरी जो भी हो, उसे कहीं ना कहीं से धन की परेशानी बनी रहती है, जीवन में अपूर्णता रहती है। महामंत्र, यदि आप बहुत लोगों से मिलते हैं और आपके कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, अब मन में नकारात्मक भाव आता है, बच्चे एकाग्रता से दूर रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ते समय केंद्रित नहीं होते, जीवन अव्यवस्थित सा लग रहा है और यह भी फील हो रहा है कि हम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, जीवन में समस्याएं चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ऐसे स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र या फोटो, मूर्ति कुछ भी लीजिए, मोहक मुद्रा में हो, आपको भगवान की फोटो या मूर्ति के सामने धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए, हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प कीजिए, अपना गोत्र और नाम बोलिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे ये चाहिए, ये मेरा अभीष्ट फल ये है। उसके बाद भगवान का स्मरण करें, ध्यान और ध्यान में भगवान को उतारे, आपके आंख में भगवान श्री कृष्ण की मोहक मुद्रा बांसुरी बजाते हुए हो। इसके बाद जो भी श्रद्धानुसार भोग इत्यादि समर्पित करने के बाद इस मंत्र का एक माला या पांच माला 40 दिन या 108 दिन तक निरंतर जाप करना है, आपकी मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होगी। अब वो मंत्र क्या है जो आपकी मनोकामना सिद्ध करेगा? इस मंत्र को आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी फोटो ले लीजिए या उच्चारण को रिकॉर्ड कीजिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र के नियमित प्रयोग से 40 या 108 दिन नियमित प्रयोग से निश्चय ही इन कष्टों से निराकरण मिलेगा और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपके जीवन में मांगलिक घटनाएं घटित होंगी, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। असम के कई जिलों में बाढ़ ने मचाई जबरदस्त तबाही। असम के नगांव में बाढ़ से बिगड़े हालात, राहत शिविर में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोग, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित।